Hello friends, I welcome you to our channel Vital Void Official, and in this video I'm going to share follow-up question of describe a time you saw something interesting on social media. So here we have the first question of this video. Why do people like to use social media? तो हमें बताना है कि लोगों को क्यों पसंद है social media चलाना. तो हमें ये बताना है इस question के answer में. So the answer of this question is, well, there are many reasons that why multitudes love to use social media. अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा reasons हैं. There are many reasons, बहुत ज़्यादा reasons हैं. Reason का मतलब होता है कारण, कि क्यों लोग social media को ज़्यादा use करते हैं. Multitudes का मतलब होता है people. I consider that, consider का मतलब होता है think. मुझे लगता है कि the main ground, ground का मतलब होता है reason. Is to stay in touch with friends. जो main कारण है लोगों का social media चलाना, तो वो है कि वो अपने friend के साथ touch में रहना चाहते हैं, relatives के साथ and family members के साथ. Another cause, cause का मतलब होता है कारण. Another cause मतलब और जो दूसरा कारण है, is to stay up to date with news and current events. जो current event होते हैं, जो current news है, उसके साथ वो अप टू डेट रहना चाहते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ गुड वे टू फाइंड फनी और इंटरटेनिंग कंटेंट. तो ये बहुत ही एक अच्छा वे है लोगों के लिए फनी और जो कंटेंट होता है वो देखना, या फिर इंटरटेनिंग कंटेंट होता है उसको देखना. विच हेल्प डेनिजन टू फिल अप देयर स्पेयर टाइम, जिससे कि वो अपना जो स्पेयर टाइम होता है उसको वो भर सकते हैं. इसीलिए लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. अगर आपके पास और भी कोई कारण है, आपको लगता है कि क्यों लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया. तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आर पॉपुलर, जो पॉपुलर हैं ऑन सोशल मीडिया पे. बट पर इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑन दिस, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ की सोशल मीडिया पे, इज़ टू शेयर पिक्चर्स एंड वीडियोज अबाउट वन सेल्फ. तो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है जो सोशल मीडिया पे, वो है अपनी पिक्चर्स या वीडियो शेयर करना, जो कि लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो इन सोर्सेस से वो शेयर कर देते हैं. सम टाइम कभी कभी मल्टीट्यूड्स शेयर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन दे फाइंड इंटरेस्टिंग. कभी कभी जो लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वो भी अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देते हैं, जो उनको लगता है इम्पॉर्टेंट है या फिर फनी है. तो जो उनको लगता है कि शेयर करने के लायक है, तो वो शेयर भी कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को, या आगे अपनी फैमिली मेम्बर्स को, या रिलेटिव्स को. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन. तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक बिजनेसमैन के लिए या फिर बिजनेस वुमेन के लिए, टू शेयर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज, जिससे कि वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट, अपनी मशहूरी दे सकते हैं प्रोडक्ट्स की, या फिर जो सर्विसेज उनकी कंपनी देती है, उन चीज़ों की वो मशहूरी दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. एंड दे डू दिस, और वो ये करते भी हैं. हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ टाइम हमें एड्स देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी एक इसी चीज़ का हिस्सा है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया. तो हमें बताना है कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है सोशल मीडिया को यूज़ करने के. आई नो ये तो आप सबको पता ही होगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द मेन प्रोज, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज. आप एडवांटेज का ये सिनोनिम है, तो आप ये यूज़ भी कर सकते हो. द मेन प्रोज ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इज दैट इट हेल्प्स अस टू स्टे कनेक्ट विद अदर्स एंड इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स. सो जो सबसे पहला प्रोज मतलब एडवांटेज फ़ायदा है सोशल मीडिया को यूज़ करने का, वो है कि ये हमें हेल्प करता है कि हम दूसरे लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में रह सकते हैं हम कनेक्ट, एंड हमें ये प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन डिफरेंट थिंग्स से रिलेटेड, जो कि अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होती है.
It provides us the opportunity to share anything with others in just a few minutes and clicks. तो ये हमें एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है सोशल मीडिया कि हम कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से थोड़े से ही मिनटों में या फिर थोड़े से क्लिक करने से ही अपने फ़ोन पे हम अपनी चीज़ें या फिर हमारी जो पोस्ट हैं या फिर फोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर द मेजर कॉन्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया. कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस सोशल मीडिया को यूज़ करने का क्या है, इज़ द लैक ऑफ प्राइवेसी. आप सबको पता ही है गाइस, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो हमने शेयर नहीं करनी होती, पर फिर भी वो कैसे ना कैसे दूसरे लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं वो भी पब्लिक हो जाती हैं. सो ये प्राइवेसी में आता है. सोशल मीडिया डिक्रीजेज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल्स. तो आप सबको पता है अगर हमारे पास फ़ोन होता है तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं. आप अपने फ्रेंड से हम टाइम निकालना ज़रूरी नहीं समझते उनसे फ़ेस टू फेस मिलना. तो हमारी जो फ़ेस टू फेस मिलने पे जो हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स हैं वो नीचे हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं. एंड और स्प्रेड्स फेक न्यूज़ वेरी फास्ट. जो फेक न्यूज़ है बहुत ही जल्दी ये वायरल कर देता है, तो ये इसके नुकसान हैं. The last question is, what do you think about making friends on social networking sites? आपको क्या लगता है social networking sites पे friend बनाने के बारे में, हमें यह बताना है. The answer of this question is, I feel that making friends on social networking sites is not as safe. तो हम मुझे लगता है कि social networking sites पे friend बनाना safe नहीं है, because क्योंकि most of the time डैनिजन प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. तो बहुत ज़्यादा टाइम हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो जो असलियत में होते हैं वो नहीं दिखाते हमें, जो कुछ और ही होते हैं वो चीज़ें दिखा देते हैं. दे हाइड देयर रियल आइडेंटिटी. तो वो अपनी हाइड कर लेते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी हमसे. एंड टेल अस मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉल्स. हमें बहुत सारी चीज़ें वो गलत भी बता देते हैं अपने बारे में. दैट इज़ वाई इसीलिए I avoid making friends on social networking sites. इसीलिए मैं avoid करता हूँ जा करती हूँ friends बनाना social networking sites पे. I only use these to keep in touch with real life friends. तो मैं only इन sites को use करती हूँ अपने जो real life friends हैं उनके साथ touch में रहने के लिए. So guys, that's all for this video. First of all, thank you for watching this video. अगर आपको video पसंद आई हो तो like कर सकते हो. इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में. अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.